30 जुलाई 2024 की आधी रात को इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बहुत बड़ा हमला किया था। इस हमले में हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फुआद शुकर की मौत हो गई थी और इस हमले के बाद से ही हिजबुल्ला इसराइल से बदला लेने के लिए बौखलाया हुआ था। हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इसराइल पर गोलाबारी और मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, लेकिन हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला ने एक बात साफ कर दी है कि IDF को बेरूत हमले की बड़ी भारी कीमत चुकानी होगी। और अब ऐसा लगता है कि हिजबुल्ला अपने बदले की आग में एक कदम और आगे बढ़ गया है। दरअसल हिजबुल्ला का कहना है कि उसने अयलथा शहर में एक बड़ा ड्रोन हमला किया है जिसमें IDF की 91 डिवीजन के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। हिजबुल्ला के मुताबिक इस हमले में IDF के 2 जवान घायल हुए हैं, इनमें से एक जवान काफी गंभीर हालत में है। हिजबुल्ला का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद इसराइल इस ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। वहीं इजरायली मीडिया का कहना है कि लेबनान से करीब 10 किलोमीटर से जहां पर IDF पीछे हटी थी वहां पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर हमले की जगह पर पहुंचा था। इस हेलीकॉप्टर ने घायल IDF जवानों को एयरलिफ्ट किया है। वहीं हिजबुल्ला का कहना है कि उसने ये हमला लोकल टाइम यानी कि आधी रात करीब 2:20 पर किया। हिजबुल्ला का ये ड्रोन IDF के एयर डिफेंस सिस्टम की लेयर को पार करते हुए इजरायली सेटलमेंट्स और सैन्य अड्डों में घुस गया और एलत बेस पर जाकर फट गया। आपको बता दें कि फुआद शुकर की मौत के बाद इजरायली सेना को हिजबुल्ला के एक बड़े स्तर पर हमले का डर सता रहा है, जिसको लेकर उसने उत्तरी इसराइल के मेयरों को एक साथ खुफिया दस्तावेज साझा किया है जिसमें हिजबुल्ला के साथ सीधी लड़ाई के लिए किस तरह से तैयार रहना है ये पूरा खाका पेश किया गया है। इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि इस युद्ध की वजह से कुछ शहरों में 3 दिन तक के लिए बत्ती गुल हो सकती है जो 7 दिन तक रह सकती है। इसके अलावा लैंडलाइन फोन 8 घंटे और मोबाइल फोन 24 घंटे तक डिस्कनेक्ट रह सकते हैं। साथ ही स्थानीय रेडियो और इंटरनेट सर्विसेज के ठप होने की बात का भी जिक्र किया गया है। इजरायली सेना ने इस खुफिया दस्तावेज में ये भी कहा है कि इजरायल की 40% वर्कफोर्स युद्ध के दौरान काम नहीं कर पाएगी। बड़ी बात यह है कि इस खुफिया दस्तावेज का खुलासा इजरायली न्यूज एजेंसी द टाइम्स ऑफ इसराइल ने किया है। एजेंसी का कहना है कि सेना ने आशंका जताई है कि ईरान 50 किलो से लेकर 500 किलो तक के विस्फोटक ले जाने वाले हजारों ड्रोन्स इसराइल पर फायर कर सकता है। ऐसी आशंका है कि हिजबुल्ला इजरायली सैन्य अड्डों और नागरिक ठिकानों को निशाना बना सकता है, यहां तक कि हिजबुल्ला तेल अविव को भी निशाना बना सकता है और ऐसे हालातों में लोगों को होटलों में ठहराया जा सकता है जो मौजूदा समय में शेल्टर्स में ठहरे हुए हैं। और अगर तेल अविव के होटलों में जगह नहीं बचती है तो उन्हें शहर के स्कूलों में ठहराया जाएगा। इसके अलावा तिमना, उत्तरी हीलत और एशकोल पार्क में टेंट लगाने की भी योजना है। ये मॉडल ठीक 2006 के युद्ध के दौरान अपनाया गया था।